ठीक है सर, आगे आगे कर रहे हो ना सारे कट कर ऐसे छुपे आ जाएंगे ना सारे सारे कट कर आगे लगाते हैं सर कर इतना जल्दी आ पीछे 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 सर इस साइड से चलेंगे चले चले यार कोई पीछे 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 तेरा माई टाउन माई प्राइड के जन अभियान के दौरान हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी की जा रही हैं और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के आदेश के अनुसार हमारे जिला प्रशासन की मदद से हम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जन अभियान को चला रहे हैं और उसी के क्रम में आज जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा एक साइकिल रैली की जा रही है जिसका मकसद एक तरफ हमारी साइकिल्स को बढ़ावा देना है, किस तरीके से हम बेटर हेल्दी वे को ऑफ ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे सके और उसके साथ ही जो हमारा जन अभियान और माई टाउन माई प्राइड का संदेश है उसको जम्मू के लोगों तक पहुँचाना भी है कि किस तरीके से हमारे जम्मू शहर में पिछले कुछ सालों में जो काम हुए हैं बेहतरी के लिए और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हमारे आ रहे हैं उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करना। ई साइकिल हमारी जो है वो हमारी 800 हमने साइकिल हम जो है पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम के तहत हम जो है अपने जम्मू में लगा रहे थे और उसमें हमारी 720 पैडल साइकिल हैं और 80 हमारी जो है वो ई साइकिल्स हैं। सो हमारी ई साइकिल्स जो है वो आ चुकी है और जल्द ही ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा जी द्वारा हम जो है उनका हम उनका जो है उद्घाटन हम करवाएंगे। सर एक चीज़ और है, जिस तरह से ये जो साइकिल लोग झूठ करके अलग लोकेशन पर छोड़ के चले जाते हैं उनको ऑल्टर करके चले जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होना चाहिए? देखिएगा ये हम लोगों की ही प्रॉपर्टी है, आप लोगों की जम्मू के लोगों की प्रॉपर्टी है, हमारी और भी कई बार होती है कि हमारे कुछ असेट लोग डैमेज करते हैं। पिछले दिनों भी हमारे जो फ्लाईओवर के ऊपर हमने ग्लोब लगाए थे उसमें से एक सिंगल डे में 23 ग्लोब एक पर्सन को ही तोड़ के चले गए, तो ये हम अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं। इसको हमने जो रिपेयर करना है उसके लिए भी पैसा हमने आप लोगों का ही आप हमारा जो टैक्स पेयर का पैसा जो मैं आप हम सब लोग मिलकर अपनी ही सैलरी से दे रहे हैं, अपनी ही जो हम जो चीज़ें खरीदते हैं उसमें जो हम GST दे रहे हैं उसी से इसका पैसा आता है। तो आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इसको आप अपनी प्रॉपर्टी की तरह ही यूज़ करें, इसको आप डैमेज ना करें, इसको नुकसान ना पहुँचाएं क्योंकि वो हम सबका कलेक्टिव लॉस है और अगर आप किसी को ऐसा करते हुए देखते हैं तो उसके बारे में हमें जरूर इन्फॉर्म कराएं सो दैट ऐसा करने वाले पर्सन को हम जो है समझा भी सकें और उसके साथ साथ अगर वो फिर भी नहीं मानते तो उनको उसके हिसाब से उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सके। एक चीज़ और सर, जिस तरह से ट्रैकिंग चिप लगी हुई है जहाँ पर वो उससे जो ट्रैक नहीं हो पा रही साइकिल उसके लिए क्या है? नहीं देखिएगा ट्रैकिंग चिप से जो है हमारी साइकिलें ट्रैक होती है लेकिन जब हमारी साइकिल मिस होती है तब उसको ट्रैक करते हैं, हम 400 साइकिल मीन्स हर समय ट्रैक करने का कोई सेंस नहीं बनता है। नॉर्मल वे में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप साइकिल एक डॉकिंग स्टेशन से उठाएं और नेक्स्ट डॉकिंग स्टेशन पर आप उसको छोड़ें, लेकिन जब हमारी वहाँ पर साइकिल कम मिलती है तब हम उसको ट्रैक करते हैं, अदरवाइज उसका लाइव ट्रैकिंग का कोई सेंस नहीं है, इट्स नॉट समथिंग कि हमें उसको लाइव ट्रैकिंग करने की आवश्यकता है।